हाय दोस्तों, आज हमारे पास है Realme 7, Realme 7 Pro और Mi 10i, और साथ ही साथ इनका चार्जर भी है। Realme 7 में आपको 30 वाट का चार्जर मिलता है, Realme 7 Pro में 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जर मिलता है, और जो Mi 10i है ना, इसमें आपको 33 वाट का चार्जर मिलता है। सो आज के इस वीडियो में हम चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं इन्हीं तीन फोन्स का, और देखने वाले हैं कौन सा चार्जर कितना फास्ट जो है फ़ोन को चार्ज कर देता है, और 33 वाट, 65 वाट और 30 वाट में कितना अंतर हम लोग को देखने को मिलता है। वैसे Realme 7 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, Realme 7 Pro में 4500 mAh की बैटरी मिलती है, और Mi 10i में आपको 4820 mAh की बैटरी मिलती है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन से फ़ोन को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम जो है ना चार्जर से कनेक्ट कर देते हैं, और आपको बता दें दोस्तों, हमारा जो फ़ोन है ना फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है अभी, तीनों के तीनों फोन्स। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो है तीनों फ़ोन का चार्जर कनेक्ट कर दिया है, और फटाफट से है चार्जर को ऑन कर लेते हैं। सो चार्जिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। सो लगभग 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। अभी Realme 7 Pro जो है ना सबसे आगे है, यहाँ पे लगभग आपको 27% से ज़्यादा चार्ज देखने को मिलता है। Mi 10i में आपको 23% देखने को मिल रहा है, और Realme 7 जो है ना इसमें हम देख लेते हैं लगभग 20% के आसपास का है। सो अब 10 मिनट बाद और चेक करेंगे, देखते हैं कौन सी बैटरी कितनी जल्दी चार्ज होती है, कितना परसेंट चार्ज होती है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20 मिनट्स का टाइम हो चुका है। अभी अगर हम बैटरी परसेंटेज देखें तो Realme 7 39 लगभग 40% पे है, उसके बाद Realme 7 Pro जो है 58, और Mi 10i 46% पे है। सो लगभग 30 मिनट्स हो गए हैं, Mi 10i अभी 67% पे है, उसके बाद Realme 7 Pro जो है ना लगभग 85% होने जा रहा है, और Realme 7 को अगर देखें तो ये भी लगभग 58% हो चुका है 30 मिनट्स में। तो लगभग 35 मिनट्स से ज़्यादा हो चुका है। अभी अगर हम बैटरी परसेंटेज देखें तो Mi 10i 76%, जबकि Realme 7 Pro जो है लगभग 92%, और Realme 7 में अगर देखें तो लगभग 67% बैटरी चार्ज हुई है। सो देखते हैं और कितना टाइम लेता है Realme 7 Pro चार्ज होने में। सो दोस्तों लगभग यहाँ पे 40 मिनट्स हो गए हैं, 84% हो चुका है हमारा Mi 10i, 95% में है Realme 7 Pro, और Realme 7 जो है ना वो 76% पे है। वैसे आपको बता दें दोस्तों, पहले जो है ना जब मैंने ये फ़ोन लिया था शुरू में, वो लगभग 40 मिनट्स में फुल्ली चार्ज होता था, लेकिन अभी अपडेट के बाद थोड़ा सा स्लो हो गया है Realme 7 Pro, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा शायद और चार्ज होने में। तो लगभग Realme 7 Pro जो है ना 45 मिनट्स में फुल्ली चार्ज हो गया दोस्तों। सो 90% के बाद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया यहाँ पे Realme 7 Pro ने। अब जो है देखते हैं, Mi 10i जो है 91% पे आ चुका है, और जो Realme 7 है वो भी लगभग 85% पे आ चुका है। तो देखते हैं इनको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। सो यहाँ पे 50 मिनट्स हो चुका है, 95% पे Mi 10i है, और जो Realme 7 है ना वो अभी 91% पे है। तो बहुत ज़्यादा फर्क इन दोनों फ़ोन में भी नहीं है, देखते हैं फुल चार्ज होने में दोनों फ़ोन को कितना टाइम लगता है। और सो 55 मिनट्स हो चुके हैं, 98% पे हमारा Mi 10i आ चुका है, सिर्फ 2% बाकी है, और Realme 7 में अगर हम देखें तो Realme 7 भी 93% पे है। सो फाइनली हमारा फ़ोन जो है फुल्ली चार्ज हो चुका है Mi 10i, और इसको चार्ज होने में लगभग दोस्तों 1 घंटा का टाइम लग गया। अब हमारा सिर्फ Realme 7 बचा है, अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें भी लगभग फुल चार्ज होने वाला है, 98% हो चुका है। तो देखते हैं कितना टाइम लगाता है ये फुल चार्ज होने में। सो फाइनली हमारा फ़ोन जो है फुल्ली चार्ज हो चुका है, Realme 7 भी, और इसको चार्ज होने में लगभग 1 घंटा 6 मिनट का टाइम लग गया।
तो ये था दोस्तों क्विक चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन इन्हीं तीनों फोन्स के बीच में। Realme 7 जो है दोस्तों सबसे पहले चार्ज हुआ था, इसने लगभग 45 मिनट्स का टाइम लिया था। वहीं पे Mi 10 i ने जो है लगभग दोस्तों 1 घंटे का टाइम लिया चार्ज होने में, और हमारा Realme 7 जो है ना वो लगभग 1 घंटा 6 मिनट में फुल्ली चार्ज हो गया। सो तीनों फ़ोन दोस्तों काफ़ी फास्ट है और काफ़ी जल्दी आपके फ़ोन को चार्ज कर देते हैं। यहाँ पे एक बात नोटिस ये भी करने की है कि तीनों फ़ोन में जो है ना आपको अलग अलग बैटरी कैपेसिटी मिलती है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो, आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें।